नमस्कार दोस्तों, आज आपका YouTube इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, सीएम योगी ने 2.5 साल के कार्यकाल की गिनाई हैं उपलब्धियां, उनके विषय में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया 2.5 साल की रिपोर्ट कार्ड। 58 पेज की बुकलेट का स्लोगन भरोसे के 2.5 साल, जनसेवा के 30 महीने। 30 महीने 58 पेज की बुलेटिन के स्लोगन भरोसे के 2.5 साल 30 महीने। सीएम योगी ने कहा, एक सरकार ने यूपी की 23 करोड़ जनता का विश्वास जीता। अपराध में कमी, 2 लाख करोड़ निवेश, 2.25 लाख सरकारी नौकरियों का दावा किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल का 2.5 साल पूरा कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में सरकार के 2.5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए एक बुकलेट लॉन्च की। 58 पेज के बुकलेट में स्लोगन दिया गया है, भरोसे के 2.5 साल और जनसेवा के 30 महीने। योगी ने इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल में जो भी कर पाए हैं, ये टीम वर्क है। उन्होंने कहा है कि सुशासन, विकास और विश्वास का प्रतीक बनकर सरकार ने यूपी की 23 करोड़ जनता का विश्वास जीता है। एक नज़र सीएम योगी द्वारा जारी किए गए सरकार ने ये भी बताया है कि सीएम योगी ने कहा है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। केंद्र की तरह प्रदेश में भी जाति मजहब पंथ के परे रख गरीब, किसान, महिला, नौजवान को केंद्र में रखा। चुनौती बहुत थी, हमने उसे अवसर में बदला और प्रदेश के परसेप्शन बदला। यूपी के पहचान का संकट खत्म हुआ, शासन की विश्वसनीयता स्थापित हुई। हमारी सरकार ने पहली ही बैठक में 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ़ किया है। सीएम ने कहा है कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और ग्रामीण इलाकों पर 18 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार आने के बाद भी प्रदेश में अपराध की घटनाओं में कमी आई है। हत्या में 15% बदले की घटनाओं में 38% और डकैती के मामलों में 24% की कमी आई। उन्होंने कहा है कि अपने प्रदेश के अपराधियों का चारागाह नहीं बनने दिया। पिछली सरकारों ने पीएससी को 24 कंपनियां समाप्त कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल अपडेट पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें।